तो नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देख रहे हैं ये इतना बड़ा डब्बा, देख रहे हैं इसके अंदर एक पंखा है, दो तीन पंखा नहीं है भाई। क्या है ये मॉडल, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए मनोज जी। देखिए अभी हमारी जो है ना एरो सीरीज की जो फ़ैन है ना वो स्टार्ट हो रहा है, वो बन गया हमारा। दो सीरीज हमारे पास आ गई, दो फैन। इसमें ये हमारा एक एरो विंड है, इसका नाम एरो विंड है, आप देखेंगे, दिखा दीजिए एक बार लोगों को। एरो विंड है और ये 320 mm है, मतलब बोलते हैं ना कि 48 से प्लस है, 1200 mm होता है तो 1200 प्लस बोलते हैं इसको, 1320 mm। अच्छा, वो ये 48 इंच से ज़्यादा बड़ा है। इंच में कितना हो जाएगा अंदाज? जैसे अब जो 1400 mm होता है वो 56 इंची होता है, आप इसको 52 इंची बोल सकते हैं। ये 52 इंची का पंखा है? यस। अच्छा, मतलब वो 5 ब्लेड वाले से बड़ा है साइज में? यस यस। तो कीमत भी उसका 5 ब्लेड से ज्यादा होगा इसका कि बराबर है? बराबर है, कीमत बराबर है इसका। अच्छा अच्छा, कीमत बराबर है, लेकिन साइज में ये उससे बड़ा है। 50-100 रुपए ऊपर नीचे होता है, इतना है। वाटेज में क्या डिफरेंस? वाटेज दोनों बराबर है, 38 वाट का फैन है। अच्छा। आप देखेंगे, आप दिखा भी दीजिए इनको, 38 वाट का फैन है। एडी 290 के लगभग इसका, क्योंकि इसकी एडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ फैन पे। हमारी एड डिलीवरी आप थोड़ा सा नजदीक करके दिखाएंगे, इधर आप नहीं उधर ही से दिखाइए, आप इधर दिखाइए, आप यहाँ पे जो है ना जो इसकी स्टार रेटिंग होती है यहाँ पे दिखाएंगे तो आप इसका 290 एडी एयर डिलीवरी होती है और 38 वाट है मेरा और 225 स्पीड, मतलब 225 से 230 स्पीड चलती है, उसमें आपको इतनी अच्छी हवा मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और साइलेंट मोटर होती है ये। अच्छा, कोई नॉइज नहीं होता है इसमें? नहीं, कोई नॉइज नहीं, मैं आपको अभी चलते हुए दिखा देंगे। और हमारे फैन अभी कितने गए, लोगों की यही अप्रेंशन है कि जिसमें तो साउंड ही नहीं है, पता ही नहीं चलता ये चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसका यूज़ कहाँ होगा ये कंधा? इसका यूज जैसे बड़ा सा हॉल है वहाँ आप कर सकते हैं, आपका घर थोड़ा सा बड़ा है उसमें लगा सकते हैं, आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, जो 5 ब्लेड वाला साइलेंट ब्लेड में एकदम एयर सर्कुलेटर के साथ लगा सकते हैं स्लो स्पीड में, तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही डिसेंट फैन है ये। दिखाइए भाई, खोल के दिखाइए। ये देखिए अभी जैसे मैं ये हमारा इसमें जैसे आ रहा, देखिए ये वारंटी कार्ड है, ये मेरा रिमोट का मैनुअल है, इसके बाद ये मेरा इसमें डाउन रॉड है, और इसके बाद ये मेरा रिमोट है, देखिएगा। इसके बाद जो है मेरा ये देखिए, ये मेरा ये फैन है, आप इसको साइड में रखिए। बड़ा इंतजाम से है मोटर? हाँ जी, पूरा इंतजाम से, कहीं भी कोई उसका नहीं है। पन्नी खोल के मोटर दिखाइए। आप इसकी देखिए, मोटर है ये। ये देखिए इसकी ये मोटर है। अच्छा, ये मोटर है, ये पूरा मोटर है। अच्छा, ये दो पार्ट में है लगता है? इसको तीन, इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें है नहीं फैन की, मैक्सिमम वो लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा डिफ्यूजर है, जो पहले आप इसको पंखे को ऐसे रखेंगे, पंखे को आप ऐसे रखने के बाद जो है आप ये डिफ्यूजर जो है इसका निकालेंगे। लाइट है ये? ये लाइट है, ये देखिए ये लाइट निकल गया हमारा। ये देखिए ये हमारा फिर एलईडी है। अच्छा, ये एलईडी बहुत हाई पावर एलईडी लग रहा है ये। हाँ, रोशनी इसका अच्छा खासा रोशनी अच्छी है जी, बिल्कुल है। मतलब इसको जला देने के बाद कोई बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है? अगर आपको जरूरत नहीं है, इसमें 3 लाइट है, आपको इसको सिंपल कुछ नहीं करना है। ये देखिए 3 स्क्रू है। अच्छा अच्छा, ये तीनों स्क्रू को खोलना है। हाँ। ये इसके ऊपर देखेंगे तो आप लग जाएगा ऐसे, ये 3 पॉइंट बनेगा, ये तीनों स्क्रू लग जाएगा, 3 स्क्रू। और इसमें ये कनेक्टर है, देखिए कनेक्टर है, ये कनेक्टर इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे आप, देखिए, और इसमें डाल, और इसमें निकल जाएगा सिंपल, मतलब लगाने का। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपने लगाया इसके बाद आपका देखिए ये डिफ्यूजर है, आपको डिफ्यूजर केवल ऐसे घुमा के लगा देना है। ये देखिए लॉक हो गया, लॉक हो गया, ये कभी नहीं गिरेगा। कितने कलर में भी ये लाइट है? 3 लाइट, 3 कलर में भी इसकी भी लाइट है। कौन कौन सा कलर है? ये वाइट है, लाइट येलो है, और थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं ये ग्लोस टाइप का, मतलब वार्म लाइट, थोड़ा सा 3 लाइट है इसमें। हाँ। और इसको सेट करना कोई नहीं, बाकी हमारी वीडियो है, वीडियो के थ्रू आप इसको चेक लगा सकते हैं आराम से। इसका ये देखिए, इसके बाद इसका ये ब्लेड है, ये ब्लेड भी मैं खोल रहा हूँ। हाँ। ब्लेड भी इसका देखिए काफ़ी बड़ा है, खोलिए तो इसको जल्दी। वाह, ये तो पूरा एकदम बहुत बढ़िया पैकेजिंग में है। हाँ, खोलना इसको निकल रहा है। देखिए इसकी ब्लेड है, देखिए एक ब्लेड इस तरह की होती है। अच्छा। जब लगाएंगे तो इसका लुक अच्छा है, देखिए ये ब्लेड है इसकी, देखिए ये 48। अच्छा, ये ब्लेड है? ये ब्लेड है, देखिए ये तो पीवीसी का ब्लेड लग रहा है। हाँ बिल्कुल ही, ये अपना पीवीसी का ही ब्लेड होता है। इसमें हमारा कह लो कि आप एक तरह से, आप इतना हार्ड होता है कि आप इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं,
मैंने कभी इसको एंगलिंग वगैरह कर कोई आप इसको पकड़ के सफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी कभी बेंड नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जनरल पंखे में प्रॉब्लम होता है सफाई में होती है कि ब्लेड का एंगलिंग गायब हो जाता है और हवा का पता नहीं चलता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली के बाद जनरली ये देखा जाता है घरों में। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसी तरह का तीनों ब्लेड होगा? तीनों ब्लेड ही है जी बिल्कुल। तब जाके ये गोलाई ले लेता है, गोलाई बनता है। देखिए तीनों ब्लेड ऐसे ही है। अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िया है ये पंखा है आपका, बहुत बढ़िया। आप जब लगाते हैं तो मैं आपको फैन दिखाता हूँ फैन कैसा हो जाएगा फिर आपका। ये फैन है आपके सारे, ये बीच में आप डाल दो। ये देखिए आपका, ये ABS बोलते हैं जिसको, ABS बॉडी बोलते हैं। चलिए भाई देखिए, ये जो कंपनी है ना इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन, है ना। इससे जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है। ऊपर जो राइट कॉर्नर में नंबर आ रहा है, मार्केटिंग की हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, फटाफट उनसे जुड़िए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में जगह अभी खाली है कि नहीं। 5 ब्लेड का पंखा है, 3 कलर में लाइट है। बताइए मनोज जी, हमको खोल के दिखाइए, हम जरा देखना चाहते हैं। मैं आपको ये फैन खोल के दिखाता हूँ। हाँ भाई मदद कीजिए इनको खोलने में, हेल्प कीजिए जरा फटाफट। देखिए जबरदस्त, इतना बड़ा डब्बा में ये पंखा है। इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए जरा, इस ये क्या है पंखा? देखा सर, ये जो हमारी ये बॉडी है, ये मोटर है हमारी BLDC में, 38 वाट में मोटर है, और आपका ये 5 ब्लेड फैन है। इसकी ADB 250 है, 250 है, और इसमें लाइट है, 3 लाइट है, लाइट येलो, वाइट और वार्म लाइट। लोगों को ये काफ़ी पसंद है। दिखाइए भाई कैसे कैसे। अभी फैन को मैं दिखाता हूँ। पैकेजिंग बहुत धमाकेदार है। हाँ जी, पैकेजिंग क्या है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पूरा वो बनाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये हमारा ये डिफ्यूज़र है। अच्छा, ये डाउन रॉड, ये रिमोट, ये देखिए, ये दोनों चीज़ है। इसके बाद आपका ये फैन है। बड़ा ज़बरदस्त मोटर है इसका। देखिए सर, मैं आपको डिफ्यूज़र दिखाता हूँ पहले। डिफ्यूज़र को आप ऐसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये डिफ्यूजर खुल गया आपका। अच्छा, इसमें देखिए LED लाइट्स हैं। वाह, ये देखिए, ये तो हम समझते हैं इस लाइट से पूरा घर रोशन हो जाएगा। हाँ कमरा आप कर चलाएंगे तो बिल्कुल आपको पूरी मतलब लाइट आ जाएगी। पंखा के साथ ये बत्ती जला दीजिए, बाकी जरूरत नहीं आपको तो जलाने की। डाइनिंग टेबल पे कैंडल लाइट डिनर तो मजे से हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर है फैन तो बिल्कुल हो सकता है। तो डाइनिंग टेबल, बेडरूम और ड्राइंग रूम के लिए मैंने बहुत बढ़िया। देखिए सर इसका, देखिए कैसा बना हुआ है इसका डिजाइन। वाह क्या जबरदस्त डिजाइन है सर इसको। देखिए ये है, इसमें कुछ नहीं है, ये फैन का ब्लेड लगाने का है। अच्छा। ये 5 ब्लेड है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों ब्लेड को पहले खोलना पड़ेगा। ये चारों आपको नहीं खोलना है। ये जो जो दो दो ब्लेड है, ये 5 ब्लेड लगेंगे। अच्छा, ये दो दो दो, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 10 ब्लेड स्क्रू है। और ये चार जो ये नहीं खोलेंगे, मोटर की है। अच्छा, आप ये इसको खोलेंगे तो इसको खोल के ये ऊपर डिफ्यूजर की है। डिफ्यूजर का देखिए, ये जो डिफ्यूजर है। हाँ। ये तीनों को खोल के आप डिफ्यूजर को ऐसे लगाएंगे, देखिए। और सेम इसको जो है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ऐसे लगाएंगे, ये कनेक्टर इसमें चलाएगा, ये कनेक्टर इसमें चला जाएगा। समझ गए समझ गए, कनेक्टर लाइट के लिए, कनेक्टर लाइट के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए आप लगाइए ऐसे कनेक्टर। हाँ। आप इसको आराम से इसमें लगा देंगे, कनेक्टर इसमें लग जाएगा और डिफ्यूजर फिर इसमें लगेगा। 3 स्क्रू के साथ आप इसको खोल के इसको फिट कीजिए और ब्लेड फिट कीजिए। पहले ब्लेड फिट कीजिए, फिर आप डिफ्यूजर फिट कीजिए। बड़ा धमाकेदार पंखा है भाई। इसको देखिए सर, आप इसको, ये सिंपल है, केवल आपको ऐसे लगा के घुमा देना है। अच्छा, जब आप ऐसे लगाएंगे आपको लगा के ऐसे घुमा देना है। देखिए ये कभी ये नहीं, तो कभी गिरेगा नहीं, ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, क्योंकि आपका ब्लेड मूव करेगा, ये फिक्स रहेगा लाइट ऐसे। ये फिक्स है, ये फिक्स, ये घूमता नहीं है, नहीं ये घूमता नहीं है, घूमना है खाली बीच वाला, खाली मोटर को घूमना है। ओ देखिए, खाली मोटर घूम रहा है। अब आप देख रहे हैं, आप दिखाइए, खाली मोटर घूमेगा, ये चीज ऊपर का बॉडी नहीं घूम रहा है। नहीं जी कुछ नहीं घूम रहा, आप ऐसे देखेंगे तो ये बॉडी भी फिक्स है और देखिए केवल ये घूम रहा है और ये भी फिक्स है। आपकी जो लाइट लगेगी ये आपका फिक्स रहेगा, देखिए लाइट नहीं घूम रहा, केवल आपका जो ब्लेड है वो ब्लेड इसके अंदर से निकल के घूमेगा, ये देखिए ऐसे। और ये कितना ब्लेड है? ये 5 ब्लेड है। दिखाइए भाई ब्लेड, दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, 5 ब्लेड भी दिखा रहा हूँ। निकालिए ब्लेड, निकालिए तो फटाफट भाई। देखिए ये पंखा लेना है तो यहाँ पे 100 से ज्यादा मॉडल पे पंखा बन रहा है। जो नंबर आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है। आप इनको फटाफट कॉन्टेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि ये पंखे का, ये कंपनी का आपके क्षेत्र में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना है कि नहीं। ये देखो सर ब्लेड, देखिए ये इसके ब्लेड हैं।
अच्छा, ये ब्लेड भी फाइबर का है? ये जी हाँ, ABS का है। ABS का ब्लेड है? ABS का ब्लेड है सर। मतलब कभी भी ये मुड़ने नहीं, ना मुड़ने ना तोड़ने कुछ नहीं है आपको सब। और ये लगाने भी बहुत सिंपल है, केवल आपको ये देखिए ब्लेड ऐसे करके ये रहेगा नीचे, आपको ये ऐसे करके लगाना, ये ऊपर रहेगा और आपको ऐसे टाइट कर देना है। वो बहुत बढ़िया ब्लेड है भाई, तो कभी भी पूछिए, कुछ भी कीजिए। हाँ जी, जो अमूमन दिवाली के बाद लोगों के हवा पंखे से गायब हो जाता है क्योंकि ब्लेड टेढ़ा हो जाता है साफ करने में। यस, देखिए जनरली लोग ब्लेड को खोल के साफ करते नहीं है। नहीं, जनरली अगर अगर आपको ब्लेड को खोल के बिना खोले साफ करना तो आपको क्या होगा कि आपको ये ब्लेड है, आपने ये फैन यहाँ पे लगाओ तो आपको ब्लेड के इस तरह पे हाथ रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ तरीका, अगर आपको फैन साफ करना, इसको पकड़ना जरा, आपको ऐसे यहाँ पे फैन लगाओ, आप ऐसे ब्लेड को पकड़िए, फिर आप इस पर कपड़ा मारिए ऐसे, जिससे क्या होगा आपका ब्लेड, ये जो क्या होता है लोग ऐसे मारते हैं तो ब्लेड दब जाती है, तो आपको इस तरफ हाथ रखना है और ऐसे ब्लेड को साफ करना, अगर गंदगी आपको साफ करनी है तो। हमको तो लगता है कि ब्लेड खोल के साफ करना सबसे अच्छा है, वो लोग लगा नहीं पाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत अगर जिनको पता है वो खोल के लगाए तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो ब्लेड पे हाथ रखे और उसके बाद कपड़ा मारे तो ब्लेड में बेंड नहीं आएगा। यही होता है कि बोलते हैं कि दिवाली के बाद पंखे का हवा गायब हो गया। यस, असल में वो लोग क्या है ना, जनरली झोल मकड़ा साफ करने वाला डंटा से वो जबरदस्ती हिला डुबला के साफ करना चाहते हैं। यस, और आजकल ब्लेड पूछने का हम देखते हैं कि ऑनलाइन बेचता है डंटा। यस, उससे तो और ब्लेड टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको हाथ लगाने के बाद, क्योंकि ब्लेड बड़ी सॉफ्ट होती है और शिखर होती है, तो उसमें आपको हाथ से सपोर्ट देने के बाद ही साफ हो सकता है वो ब्लेड। चलिए भाई, फटाफट जुड़िए और रुचिका मैडम को कॉन्टैक्ट कीजिए ये पंखा लेने के लिए। और इसके अलावा कंपनी क्या क्या बनाती है भाई? इसके अलावा अभी TPW में आपने बता दिया मैंने, अभी फर्राटा में भी हमारा आ चुका है, आपने टेबल और पोर्टेबल आपने हमारा देख लिया है, और फर्राटा में भी हमारा नवंबर के बाद से आ जाएगा। और सीलिंग फैन कितने मॉडल में बना रहे हैं? सीलिंग फैन तो हमारा मॉडल तो अभी हम गिन में, मतलब वो 150+ में होगा अगर कलर भी लिया जाए तो। अपने बाप, 150 मॉडल में पंखा, और BLDC भी बना रहे हैं? BLDC भी जा रहा है, अभी हमारे जो गवर्नमेंट में सारे जा रहे हैं वो सारे BLDC फैन जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में मेरा जो जा रहा है वो BLDC इंडक्शन दोनों जा रहा है, जैसे मेरा नेपाल हो गया, मेरा दुबई हो गया, मेरा बहरीन हो गया, मेरा बांग्लादेश हो गया, ये सब में मेरे एक्सपोर्ट में BLDC और इंडक्शन दोनों जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हाथ तो राहुल जी का है जो घूम घूम के मार। अभी रेलवे में भी सबसे ज़्यादा टेंडर हमारे पास ही आ रहे हैं और हम ही फैन दे रहे हैं रेलवे में भी और गवर्नमेंट में भी। वाह वाह वाह, चलिए भाई जी से देखिए ऑटोमेटिक मशीन पे काम चल रहा है। भाई कौन सा तारीख क्या है आज? तारीख भी याद नहीं भाई, कौन सा तारीख है? 19 तारीख आज। अच्छा 19 तारीख है, अब महीना कौन सा है? महीना 10वां। 10वां महीना है, अक्टूबर महीना, और साल कौन सा है? साल 24। बात को समझिए ठीक से, 2024 तारीख 19, काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है जरा सोचिए। जहाँ पे लगभग पंखा का फैक्ट्री का काम ठप पड़ा रहता है, क्या कारण है कि ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है? सर कारण स्पष्ट है कि जो क्वालिटी ये कंपनी जिस रेट में दे रही है, ये कंपनी रुकने का नाम अब कभी लेने वाली नहीं है। यहाँ पे मशीन को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि शिफ्ट में लोग बदल जाते हैं, मशीन बेचारा दिन रात चल रहा है। बात को समझिए, इस कंपनी से जुड़ने का आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। जो नंबर चल रहा है ऊपर वीडियो में वो रुचिका मैडम का नंबर चल रहा है, मार्केटिंग की वो हेड हैं, आप उनको फटाफट कॉल कीजिए, पता कीजिए कि मैडम मेरे क्षेत्र में कोई अभी तक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना है कि नहीं, अगर नहीं बना है तो बिल्कुल बन जाइए। व्यापार से बड़ी कुछ नहीं है, व्यापार में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, व्यापार से जुड़िए। मैं लगभग पटना में जब रहता हूँ तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को 8 से 9 एक घंटा लाइव आता हूँ, मेरे लाइव शो से जुड़िए। मैंने व्यापार पे लगभग 50 से ऊपर किताबों को लिखा है, और जो सबसे हिट पैक अभी मेरा चल रहा है वो चल रहा है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में एक नहीं 10 बिजनेस, जितने भी लोग चाहे रॉ मटेरियल बनाने वाले हों चाहे मशीन बनाने वाले हों, एक एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है। और बुक्स जो है, कॉम्बो पैक जो है, अगर मैं पटना में रहता हूँ तो 24 घंटे के अंदर डिस्पैच भी हो जाता है। देख रहे हैं ना सर, ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है डाउन रॉड बनाने का, मात्र 2 मशीन के ऑपरेशन से
यहाँ पे डॉन रोड बन रहा है। कोई पंखा के कंपनी में आप देखते हैं कि डॉन रोड भी खुद बनाता हो, स्टाम्पिंग भी खुद बनाता हो, है ना, टॉप बॉटम भी खुद बनाता हो, ब्लेड भी खुद बनाता हो, ये सब लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। और जब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है उनका भी अपना मार्जिन होगा। भाई आज आज कौन सा तारीख है, तारीख बताइए। 19 तारीख। अच्छा, महीना कौन सा महीना? दसवां महीना। कौन सा महीना बोलते हैं हिंदी में उसको? दसवां महीना को क्या बोलते हैं? अक्टूबर महीना 2024। 2024 19 तारीख और अक्टूबर का महीना, यानी अक्टूबर के महीने में डॉन रोड को बनाया जा रहा है, पंखा को बनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि 5-5 ट्रक माल रोज निकल रहा है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए, ये प्लेन यहाँ पे पिन सिस्टम लगा हुआ है, ये एक दो ऑपरेशन यहाँ कर दे रहे हैं आगे का, और बाकी ऑपरेशन ये कर रहे हैं, और डॉन रोड एकदम रेडी हो जा रहा है। देखिए मैं देख रहा हूँ, मैं डॉन रोड 2-3 ऑपरेशन में, इस दो छोटी मशीन में डॉन रोड बन के कम्प्लीट हो रही है। क्यों ये पंखा का रेट कम है, अब इस पर हम लोग बात करते हैं। क्यों बाकी पंखा क्वालिटी भी नहीं दे पा रही है और कीमत भी नहीं दे पा रही है? सर इसका कारण आपके सामने है, इसका कारण है कि ये कंपनी जो है ना, ये रॉही मटेरियल खुद बना ले रही है। पंखा बनाना तो है ही, पंखा का इतना बड़ा फैक्ट्री तो खुला ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी रॉ मटेरियल भी खुद बना रही है। जब रॉ मटेरियल कंपनी खुद बनाएगी तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नीचे आ जाएगा। और राहुल जी का सीधा मानना है कि भाई अगर रेट कम हो तो इसको पास ऑन करो कस्टमर को। कस्टमर को रेट को पास ऑन कर देने का मतलब समझ रहे हैं, पूरे कंपटीशन के बाज़ार में आप सबसे आगे आ गए एक मिनट में। और यही कारण है कि फैक्ट्री खुली फरवरी में और आज अक्टूबर है, कोई ऐसा महीना नहीं था कंपनी का प्रोडक्शन रुक रहा था। कंपनी में हर महीने प्रोडक्शन चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्वालिटी रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल अपने हाथ में हो तो क्वालिटी आना स्वाभाविक है। और क्वालिटी रॉ मटेरियल से जब क्वालिटी पंखा बनाया जाए उसका रेट नीचे आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े क्वांटिटी में लोग जुड़ रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि बड़े तादाद में ऑर्डर का डिस्पैचिंग चल रहा है। जितना जल्दी हो रुचिका मैडम को कॉल कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है आने वाले 1-2 महीने में आपको इस कंपनी से जुड़ने का कोई मौका मिलने वाला है, क्योंकि सारा एरिया बुक हो जाएगा, कोई क्षेत्र बचेगा नहीं। लोगों में अभी से एक डर व्याप्त है कि सीजन में यहाँ से माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन चल रहा है, लोग चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, लोगों में अब डर समा रहा है। यही कारण है कि लोग अभी से स्टॉकिंग करने में लग गए हैं। जितने भी डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, अभी से स्टॉकिंग कर रहे हैं अक्टूबर महीना से, जबकि सेल कंज्यूमर लेवल पे जो स्टार्ट होता है वो होली के बाद होता है। लेकिन रिटेलर जो है वो जनवरी महीना में ही माल अपना पूरे सीजन का ले लेना चाहता है, तो रिटेलर के लिए माल तो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के पास होना चाहिए ना। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का भी लाइन लग रहा है, तेज़ी से हर एक जिला में डिस्ट्रीब्यूटर लोग बन रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, देश और विदेश में पंखा का डिमांड हो रहा है। यही कारण है कि महीना अक्टूबर का है, जबकि लगभग कंपनी में प्रोडक्शन ठप हो जाता है बरसात के समय से ही। यहाँ पे कभी भी कंपनी का चक्का नहीं रुका है। मैं हर महीना यहाँ विजिट करता हूँ, मैं लगभग व्यापार पे मैंने 50 से ऊपर किताबों को लिखा है। मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633 पे कॉल कीजिए, ये व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सबसे जो हिट पैक मेरा किताबों का चल रहा है वो कॉम्बो पैक चल रहा है, जिसकी कीमत लगभग 6,500 रुपये है। पैक को लेने से का मतलब जानिए कि पैक में कुल मिला के 10 बिजनेस आपके हाथ में आ जाता है। 10 बिजनेस यानी 10 साल तक आपको सोचना नहीं है व्यापार करने के लिए। उस बिजनेस से जुड़े के जो भी मैन्युफैक्चरर हों, चाहे रॉ मटेरियल वाले हों, एक एक लोग का मालिक का मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। और बुक जो कॉम्बो पैक है वो 24 घंटा के अंदर में डिस्पैच होता है।
इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो ऊपर नंबर चल रहा है वो रुचिका मैडम का नंबर है। रुचिका मैडम को तुरंत कॉल कीजिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो अविलंब जुड़िए। ये CNC ग्राइंडर है, पूरा कंप्यूटराइज्ड ग्राइंडिंग मशीन है। मैं बोलता हूँ ना कि पंखे की क्वालिटी में दो चीज़ों का राज छुपा है, एक CNC ग्राइंडिंग मशीन और दूसरा जो CNC लेथ मशीन है ना। अभी देखिए यहाँ पे कभी भी ये कुछ करते नहीं है कि हमको मैनुअली कुछ करना है, ये उतना ही ग्राइंड करेगा जितना इसमें फीड किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं ग्राइंड करेगा। यहाँ पे देखिए आज, एक मिनट, आज कौन सी तारीख है भाई? 19 तारीख है। अच्छा महीना कौन सा है? दसवां। क्या बोलते हैं इस दसवें महीने को? अक्टूबर। और साल कौन सा है? 2024 19 अक्टूबर। बात को समझिए क्या इशारा है। जब अक्टूबर महीने में फुर्सत नहीं है, यहाँ पे कॉइल के काम में देखिए कितने लोग लगे हुए, इतने लोगों से तो कारखाना चालू हो जाता है। यहाँ पे फुर्सत नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर को पूरा करने में लोग एकदम परेशान हैं, रात दिन काम चल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण हो गया? कहाँ पंखा का कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन अक्टूबर में देखा जाता है? यहाँ बरसात गिरते फैक्ट्री का शटर बंद हो जाता है, ये हाल है। मेरा अपना निजी अनुभव है, जैसे जून का महीना आता था सेल हाफ हो जाता था और जुलाई में सेल साफ हो जाता था, यहाँ अक्टूबर में प्रोडक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब अक्टूबर का ये हाल है कि आधा आधा मिनट में मशीन को ऑन किया जा रहा है और ग्राइंडिंग चल रही है, तो सर बाकी महीना तो छोड़ दीजिए, नवंबर से तो ऐसा ही मारा मारी चालू हो जाता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है लगभग ओवर हो जाता है। और जैसे बिहार और यूपी में छठ खत्म हुआ, छठ पर्व खत्म हुआ, अब लोगों का एक ही ध्यान होता है कि भैया पंखा का स्टॉक करो, नहीं स्टॉक करोगे तो सीजन में पंखा नहीं मिलेगा बेचने के लिए। यहाँ पे तो ये बेचैनी जो है ना, वो नवंबर नहीं, ये सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, माने जो भी हो महीना कोई भी हो, लोग अब स्टॉकिंग पे दिमाग लगा रहे हैं। जितने भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं स्टॉक कर रहे हैं, कंपनी के पास इतनी जगह नहीं होती है कि कंपनी माल बना के स्टॉक करे, ये काम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है फैन लाइन में। पंखा का सेल ऐसा सेल है जो कि कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, और ये कंपनी क्यों चल रही है? अक्टूबर महीने में भी प्रोडक्शन इसका क्यों हो रहा है? सर सारा रॉ मटेरियल खुद का है, जब सारा रॉ मटेरियल खुद का हो, ब्रांडेड क्वालिटी का माल बन रहा हो 100 से ऊपर मॉडल में, यहाँ पे 5 ब्लेड का पंखा भी लाइट वाला बन रहा हो, तो कैसे सेल रुकेगा? बात को समझिए, यहाँ डेली 4 ट्रक 5 ट्रक माल का डिस्पैचिंग हो रहा है, रुकने का काम नहीं। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 8-10 लोग तो खाली ग्राइंडिंग में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक नहीं दो ग्राइंडर है, दोनों ग्राइंडर अपने काम को कर रहा है, और 8-10 लोग धड़ाधड़। ये कॉइल क्या चीज़ का है? ग्राइंडिंग किस कॉइल में होता है? सर ग्राइंडिंग कोई BLDC में नहीं होता है, ये इंडक्शन पंखे का ग्राइंडिंग चल रहा है, और मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में एक ग्राइंडिंग ख़त्म हो जाता है। सर कम से कम अगर आप मैनुअल ग्राइंडर में काम कीजिएगा तो 2 से क्या 5 मिनट लग जाता है, और फिर भी 127 mm का ग्राइंड परफेक्ट नहीं होता है, 1-2 mm तो आगे पीछे हो ही सकता है। यहाँ पे ना कुछ आगे होता है ना पीछे होता है, क्योंकि इस मशीन को हाथ से चलाया नहीं जा रहा है, ये जो दाएं बाएं हो रहा है ये कंप्यूटर से हो रहा है, ये जो आगे पीछे चल रहा है ये कंप्यूटर से हो रहा है, इसको मालूम है। पत्थर की घिसाई कुछ भी हो जाए इसको कोई मतलब नहीं है, ये आपको एक तरह का ग्राइंडिंग करके देता रहेगा। इस कंपनी से जुड़ने के लिए बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि जिस तेज़ी से काम चल रहा है हमको नहीं लगता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर में भारत में कोई भी जगह बचेगा जहां पे लोग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हों। राहुल जी यहां पे देश नहीं विदेशों में भी काम को तेज़ी से फैला रहे हैं, कोई ऐसा महीना नहीं रहता है जब राहुल जी 1-2 देश की यात्रा पे नहीं रहते और वहां से बम्पर ऑर्डर नहीं आता है।
यही कारण है कि देश के अंदर का ऑर्डर या विदेश का ऑर्डर इतना गिर रहा है कि ये कंपनी का चक्का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए। मैं अगर पटना में जब रहता हूँ तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे एक घंटा लाइव आता हूँ 8 से 9। मेरे लाइव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने व्यापार पे 50 से ऊपर किताबों को लिखा है। आज कल जो सबसे हिट पैक चल रहा है मेरा, वो चल रहा है कॉम्बो पैक। इसमें लगभग लगभग 10 व्यापार की जानकारी है। और एक बात जान लीजिए, मेरे बुक्स की सबसे बड़ी खासियत जो कहीं कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगी, किताब लेते उस बिजनेस से जुड़े जितने भी मशीन और रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर हैं कॉम्बो पैक के, वो सारा नंबर मैं तुरंत व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। और अगर मैं पटना में रहता हूँ तो कॉम्बो पैक नेक्स्ट डे यानी 24 घंटे के अंदर डिस्पैच होता है। कॉम्बो पैक की कीमत लगभग 6,500 रुपये है, यानी 10 किताब 10 साल तक आपको एक से एक व्यापार करने का मौका देगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस कंपनी से जुड़ने के लिए तुरंत जो ऊपर नंबर चल रहा है रुचिका मैडम का, उस पर कॉल कीजिए। और बुक्स लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। CNC लेथ मशीन है ना। और भाई ये कौन सा तारीख है आज? आज 19। अच्छा 19 तारीख है। अब महीना कौन सा है? महीना 10वां अक्टूबर। अक्टूबर महीना। साल कौन सा है? 2024। बात को ठीक से समझिए, 19 अक्टूबर में भी यहाँ पे मशीन रुक नहीं रहा है। बात को समझ रहे हैं? क्या कारण है कि 19 अक्टूबर को भी काम चल रहा है, अक्टूबर महीने में भी काम चल रहा है। ऑपरेटर देखिए बदल गया, उस ऑपरेटर का शिफ्ट चेंज हो गया, अब दूसरा ऑपरेटर आ गया। मशीन को फुर्सत नहीं है, मशीन 24 घंटा चल रहा है। क्या कारण है? बात को समझिए क्या कारण है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्वालिटी और रेट। जो एक जगह खाली था, राहुल जी उस जगह पे नज़र रखे हुए थे कि ये एक स्पेस है जो खाली चल रहा है, उन्होंने फटाफट समय रहते कदम रख दिया। और कदम रखते ही उस स्पेस को भरने के लिए लोग जुटते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग जुट रहे हैं इस कंपनी से। यही कारण है कि बड़े बड़े लॉट में अभी भी पंखा जा रहा है। अक्टूबर महीना पंखा का फैक्ट्री आप नहीं देखेगा कोई चल रहा हो। यहाँ पे कोई कंपनी स्टॉक नहीं कर रही है, कंपनी स्टॉक कर नहीं पाती है। यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनको एक डर समा रहा है। जिस तरह से लोग देख रहे हैं लोगों को जुटते हुए, उनको एक डर समा रहा है कि आने वाले सीजन में हो सकता है वक्त पे पंखा नहीं मिल सके। इसीलिए वो देख रहे हैं कि चलो बिजनेस है ना, 4-5 महीना पहले पैसा लगा देते हैं, बैंक में पैसा का सूद उतना तो मिलता नहीं है, यहाँ रिटर्न उससे कई गुना ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी का रेट वक्त के हिसाब से बदलते रहता है। जब पीछे से रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का रेट भी बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जांच होती है बहुत बारीकी से, एक एक रोटर को टेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि लॉट में टेस्ट किया जाता है। इस मशीन को क्या बोलते हैं भाई? CNC टर्निंग। अच्छा इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें जी इसमें क्या चेक कर रहे हैं आप? इसमें ID चेक कर रहे हैं और OD चेक कर रहे हैं। इसकी लेंथ हम बर्नियर से चेक करते हैं। हाँ। लेंथ वगैरह जो हमारा फिक्स होता है। हाँ हाँ ये 25 मांगी है हमें। हाँ हाँ तो हमारा पूरा 25 बना अच्छा, रहे हैं। 25 हाइट एकदम पक्का का पक्का है। एक्यूरेसी नहीं तो टेपर होता है, एक्यूरेसी जितना काटते हैं हम, जितना हमें साइज दिया जाता है उतने टॉल लेंस के हिसाब से बनाते हैं। मतलब मॉडल बाई मॉडल जैसा आपको दिया जाता है? हाँ जैसा मतलब कि पंखे का वो मिलेगा ऐसा ही हम मॉडल काटते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो नंबर आप देख रहे हैं ना, रुचिका मैडम का नंबर है, फटाफट उनको कॉल कीजिए, पता कीजिए मैडम जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो सर वो 2-3 महीना बाद खाली नहीं दिखने वाला है। मैंने व्यापार पे लगभग लगभग 50 से ऊपर किताबों को लिखा है। और मेरे बुक्स में जो सबसे ज़्यादा हिट बुक्स चल रहा है वो है कॉम्बो पैक, जिसमें एक नहीं 10 बिजनेस। 10 बिजनेस को ऐसे समझिए कि 10 बिजनेस का आपने किताब एक बार कॉम्बो पैक ले लिया
तो 10 साल तक आपको फुर्सत नहीं रहेगा बिजनेस करते करते। 10 साल एक अच्छा समय होता है, व्यापार में आपको वो स्थापित कर देगा। मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे मैसेज कीजिए। सिर्फ आपको लिखना है कॉम्बो पैक। पैक लेते ही जितने भी लोग हैं, चाहे वो मशीन बनाने वाले हों, रॉ मटेरियल बनाने वाले हों, एक एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और बुक कॉम्बो पैक 24 घंटे में डिस्पैच हो रहा है। शर्त यह है कि मुझे पटना में उस दिन होना चाहिए। मेरे लाइव से जुड़िए। मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8 से 9 एक घंटा लाइव आता हूँ। लाइव से जुड़िए, प्रश्न पूछिए। इस तरह का लाइव आपको अभी तक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वही जल्दीबाजी का नज़ारा है जो जल्दीबाजी देखने को मिल रहा था मार्च, अप्रैल, मई, जून। वही तेज़ी से हाथ चल रहा है लोगों का। ब्लेड का डिमांड एकदम तेज़ी से हो रहा है क्योंकि माल के साथ ब्लेड भी जाना है। बिना ब्लेड के तो पंखा बनेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे पेंटिंग का सिलसिला कभी नहीं रुकता है। ट्रीटमेंट का भी देखिए, यहाँ पे लोगों का हाथ एकदम तेज़ी से चल रहा है। ब्लेड बन के पीछे से आ रहा है। भैया कौन सा महीना है, तारीख कौन है? तारीख बताओ आज का। 20 तारीख भैया। 20 तारीख है। यहाँ पे लोगों को तारीख भी याद नहीं है। भाई तारीख क्या है? 19 है। इधर सामने आके बोलो। 19 तारीख है। महीना कौन सा है? दसवां महीना। दसवां महीना को क्या बोलते हैं? अक्टूबर। और साल कौन सा है? 2024 19 अक्टूबर। सर यहाँ पे लगभग प्रोडक्शन ठप हुआ रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे बहुत तेज़ी से हाथ चल रहा है। ब्लेड का ट्रीटमेंट होना है, 9 टाइम्स का ट्रीटमेंट, तब पेंटिंग होगा। और तेज़ी से ब्लेड का मांग पूरा करना है इन लोगों को। तो भाई साहब ये नज़ारा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी सारा रॉ मटेरियल खुद बनाती है। और जब कंपनी सारा रॉ मटेरियल खुद बनाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी यहीं से आता है और कहीं से आने वाला नहीं है। इसके लिए आपको एक एक रॉ मटेरियल खुद बनाना पड़ेगा। और सर चाहे स्टाम्पिंग हो, टॉप बॉटम हो, अगर आप खुद बनाने जाएँ तो मार्केट का स्टडी करते करते 20 से 30 साल चला जाएगा। सर 20-30 साल से तो टॉप बॉटम बन ही रहा था, जितना भी स्टाम्पिंग है बन ही रहा था। मार्केट का पता था राहुल जी को कि यहाँ पे मार्केट में मांग क्या है। उन्होंने लॉन्च भी किया पंखा तो 100 मॉडल से, चाहे सीलिंग फ़ैन हो, चाहे टेबल फ़ैन हो, चाहे फराटा हो, तेज़ी से, चाहे एग्जॉस्ट फ़ैन हो, यहाँ तो 9,000 का पंखा डिमांड में आ गया। तो भाई साहब अब ये मौका आपको आने वाले समय में नहीं मिलना है यहाँ से जुड़ने का। ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। तो जितना जल्दी हो रुचिका मैडम को संपर्क कीजिए। ये जो नंबर ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये इस कंपनी की मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है। आप इनसे पूछिए कि भाई इस क्षेत्र में जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है बिल्कुल जुड़ जाइए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने व्यापार पे लगभग 50 से ऊपर किताबों को लिखा है। मेरा सबसे जो हिट अभी चल रहा है पैक, वो है कॉम्बो पैक, जिसमें लगभग 10 किताब है। कीमत लगभग 6,500। 10 किताब का पैक आपको 10 साल तक सांस लेने नहीं देगा, मतलब फुर्सत नहीं रहेगा आपको। आप बिजनेस एक से एक करते रहेंगे। इस पैक को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बेल्ट लगता है ना, इसका भी ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे इस पंखे को पैक किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे पंखा आया और ऊपर नीचे टेप एक बैग लग जाता है और यहाँ बेल्ट लग गया। बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्था है भाई। देखिए अच्छा आज कौन सा तारीख है, तारीख बताइए तो ज़रा। आज तारीख नहीं मालूम। अच्छा हेलो, आज कौन सा डेट है, डेट बताइए कौन सा डेट है सर। 19 कौन सा महीना? सितंबर है। अक्टूबर आपको अभी तक नहीं मालूम कि सितंबर अक्टूबर पंखा का डर हो गया सर। अच्छा माने 19 अक्टूबर है सर। और साल कौन सा है सर? 2024। देखिए क्या सुने आप, 19 अक्टूबर 2024।
मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के वर्कर बोल रहे हैं। कोई भी पंखे का फैक्ट्री आप नहीं देखेंगे कि जहाँ पे प्रोडक्शन अभी भी चालू है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का ऑर्डर का तैयारी चल रहा है, ये कोई जेफेयर मॉडल है, यहाँ पे पैकेजिंग का काम चल रहा है। मतलब एक पार्टी का हम लगते हैं 100 पंखा होगा, माने कस्टमर बाई कस्टमर, मॉडल बाई मॉडल, पंखे की कमी नहीं है, लाइन लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। पहले हमको याद है कि यही कहानी जब फरवरी और मार्च की थी तो लोग एक डब्बा लेते थे, 3 पीस सैंपल टेस्ट करते थे। भाई नई कंपनी थी, लोगों को मेरे बात पे भरोसा तो हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग चाहते थे कि एक बार हम पता तो कर लें, सामान तो देख लें। कई लोगों ने, यहाँ तक कि देखिए कल नाजरुल इस्लाम जी ने भी पंखा को खोला और एक लोकल ब्रांड के पंखा से कंपेयर करके दिखा दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वो लोकल ब्रांड के पंखे का वाटेज आ रहा था 100 और इसका वाटेज तो सर 50 से ऊपर क्रॉस होने ही वाला नहीं है। मैं इसके BLDC की बात नहीं कर रहा हूँ सर, इंडक्शन की बात कर रहा हूँ। 50 वाट से ज़्यादा ये पंखा हो ही नहीं सकता है। तो ये खूबी है, ये खूबी है कि 100 से ऊपर मॉडल पंखे का बन गया, एक साल भी पूरा नहीं हुआ। ये खूबी है कि एक एक पार्टी एक एक मॉडल का 100-200 पीस ऑर्डर करता है। ये ही खूबी है। क्यों? क्योंकि रेट और क्वालिटी, और क्वालिटी कहाँ से आ रही है सर? किसी से स्टैम्पिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टैम्पिंग का खुद का अपना फैक्ट्री है राहुल जी का। और किसी से टॉप बॉटम लेने की ज़रूरत नहीं है, टॉप बॉटम का अपना फैक्ट्री है राहुल जी के खुद का। किसी से ब्लेड लेना नहीं है, किसी से डाउन रॉड लेना नहीं है, रॉ मटेरियल अपना। जब अपना रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्ट हो तो सर ऐसा कंपनी बहुत बिरले ही आपको मिलेगा खोजने में। यही खूबी है कि पंखे का रेट कम गया, यही कारण है कि पंखे का क्वालिटी ऊपर चला गया, यही कारण है कि आज अक्टूबर 19 है 2024, आज भी ये कंपनी दम नहीं ले रही है, रेस्ट नहीं कर रही है, अपने फुल स्विंग में ये कंपनी अपना प्रोडक्शन दे रही है। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा डर अब हो गया है कि ये जब हाल है पंखे का तो सीजन में पंखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूँ, ये भी कस्टमर को मैं देखा कि ये नॉर्थ इंडिया का ऑर्डर है, आसाम का ऑर्डर है। सोचिए अगर ईस्ट इंडिया का ऑर्डर जा रहा है अभी, जहाँ पे ठंडा शुरू हो गया, जहाँ पे पंखे का सेल को अब आने में, वापस आने में 4 महीना की देरी है, 5 महीने की देरी है, लोग अभी से स्टॉक कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि सीजन में हो सकता है कि हमको तुरंत पंखा ना मिले। तो राहुल जी को मैंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है? बोले कि देखिए संजीव जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो मैं तुरंत 1-2 लाइन और स्टार्ट कर दूंगा, इनके पास जगह की कोई कमी नहीं है। अभी इनका जो प्रोडक्शन का क्षमता है इतना ज़्यादा है कि एक दिन में 4-5 ट्रक माल का प्रोडक्शन हो जा रहा है। आज का डिस्पैचिंग का देखिए, वहाँ पे माल का टाल लगा हुआ है, ये सब आज निकल जाएगा। ये जितना देख रहे हैं ना, कस्टमर बाई कस्टमर माल छांट के रखा हुआ है, ये सारा डिस्पैचिंग मैंने अलग वीडियो में बताया है कि ये सारा माल आज निकल जाएगा। ये खूबी है, यही खूबी है। तो भाई देर बिल्कुल मत कीजिए, इस कंपनी से जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में जब आपका नींद टूटेगा, कंपनी के पास जगह नहीं रहेगा आपको काम देने का, तो फिर इंतज़ार कीजिएगा अगले 10-20 साल का कोई बड़ी कंपनी खुले, कोई ब्रांडेड लेवल की कंपनी खुले। और सर ऐसी कंपनी एक दिन में नहीं खुली है, ये कंपनी पिछले 20-25-30 साल से काम कर रही थी रॉ मटेरियल बनाने का। कंपनी पहले रॉ मटेरियल बना के इतना मजबूत हो गई कि आज 100 से ऊपर ब्रांड में पंखा लॉन्च कर दी, तब एक एक कस्टमर का देखिए इस तरह से लौट जा रहा है। यहाँ पे एक कस्टमर का ये पार्टी है, और यहाँ से देखिए जैसे थोड़ा सा गैप में आप देख रहे हैं, दूसरे कस्टमर का ऑर्डर है, फिर देख रहे हैं। मतलब ये इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलता है किसी कंपनी में कि डेली के डेली इस तरह का नज़ारा स्टार्ट हो जाए आपके सामने। अब तो एथरा देखिए, एथरा जो है ना, ये एथरा वाइट है, ये किसी एक कस्टमर ने बोला। अब मॉडल बाय मॉडल लोग स्टॉक कर रहे हैं, शुरू में लोग छोटा छोटा क्वांटिटी लिए, मिक्स मॉडल लिए, अब लोग बड़े बड़े लॉट में एक एक मॉडल उठा रहे हैं। जब 9,000 MRP का पंखा यहाँ से बिक रहा है तो सर बाकी का तो पूछना ही नहीं है।
मैंने व्यापार पे बहुत सारी किताबों को लिखा है, लगभग 50 किताब, और मेरा अभी सबसे हिट पैक चल रहा है कॉम्बो पैक, जिसकी कीमत लगभग 6,500 रुपया है। कॉम्बो पैक में एक नहीं 10 व्यापार है, यानी आने वाले 10 साल तक आपको सोचना नहीं है बिजनेस करने के लिए। मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे अविलंब कॉन्टैक्ट कीजिए। इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो ऊपर नंबर आ रहा है ना रुचिका मैडम का, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, पता कीजिए वाकई अभी तक जगह खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो बिल्कुल देर नहीं कीजिए, अभी कंपनी आपको मौका दे रही है डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। सर ये मौका एक बार हाथ से चला गया फिर कभी वापस नहीं आएगा। मैं जब पटना में रहता हूँ तो लाइव शो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को करता हूँ रात 8 से 9। लाइव में जुड़िए, व्यापार से जुड़े प्रश्न कीजिए, बिजनेस में आइए, व्यापार से बड़ा कुछ नहीं है। व्यापार में एक बार आ गए तो सोचिए आप आने वाले समय में कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। यहाँ बड़े पैमाने पे पैकेजिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये डेट मैं नहीं पूछता हूँ, जहाँ पे लगभग कंपनी में पंखा का काम बंद पड़ा है मैं पूछता हूँ आज क्या तारीख है। भाई आज क्या डेट है बताइए तो जरा। 19 तारीख है। कौन सी 19 तारीख? 19/10/2024। अच्छा 2024 की 19 तारीख है क्या भाई? 2010 की 19 तारीख है भाई? 19 तारीख है आज। 19 तारीख है? हाँ 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर 2024। वाह। तो देखिए मैं कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि ये अक्टूबर का महीना है और यहाँ पे तेजी से लोग लगे हुए हैं। मैंने आपको दो दो लोग से पूछवा दिया कि आज तारीख क्या है। भाई इसके पीछे ऐसे क्यों ऐसा काम चल रहा है कि अक्टूबर का महीना है, पंखा तेज़ी से डिस्पैच हो रहा है, आप देख रहे हैं लंबा लंबा लॉट लगा हुआ है पंखे का, काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कौन जेफेयर मॉडल है, जेफेयर हर तरह का, ये ब्राउन में पैकिंग चल रहा है, मतलब ये पार्टी बाय पार्टी। यहाँ पे जो माल का प्रोडक्शन होता है ये मास लेवल पे तो होता है लेकिन कस्टमर के बिल के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी का 100 पीस ये मॉडल, 50 पीस वो मॉडल, जैसा भी हो वैसा बिल असल में रुचिका मैडम के पास टोटल ऑर्डर आता है। रुचिका मैडम ऑर्डर का बिल काटती हैं जब पेमेंट हो जाता है कस्टमर का, और ऑर्डर की कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर में माल को निकाल दिया जाए, फिर ऑर्डर के हिसाब से तुरंत पंखा की असेंबलिंग होती है। देखिए कॉयल वगैरह तो रेडी होने वाला, ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉयल हमेशा बन रहा है, पंखे का पेंटिंग हमेशा चल रहा है, लेकिन टॉप बॉटम ब्लेड अगर रेडी है तो माल अब कौन सा मॉडल का बनना है, क्योंकि पता चले कि कलर अलग अलग है, कॉयल एक है, एक ही कॉयल को 10 मॉडल में घुसना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक है तो उस हिसाब से बिल के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। अब ये कोई एक पार्टी का ये मॉडल है, अभी दूसरा उसी पार्टी का अगर दूसरा मॉडल भी 50 पीस होगा तो देखिएगा इसी लाइन पे वो चालू हो जाएगा, मतलब पार्टी बाई पार्टी माल बनता है और पार्टी बाई पार्टी माल को डिस्पैच कर दिया जाता है। ये नहीं कि भाई 500 पीस हम ये मॉडल बनाएंगे, उसका ऑर्डर आएगा तब माल जाएगा, ये सब जनरली बाकी कंपनियों का खेल है। यहाँ पे कोशिश ये है कि अगर कोई आदमी पैसा लगाया है तो कितना फास्ट उसको माल मिल पाए, बस टोटल टारगेट इसी चीज़ पे है। और यही काम के चलते राहुल जी के पंखे का लोग डिस्ट्रीब्यूटर तेज़ी से, सर भारत में ही नहीं भारत के बाहर, राहुल जी जिस तरह से विदेश यात्रा कर रहे हैं भारत के बाहर भी इनके पंखों की मांग तेज़ी से चल रही है और लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 का पंखा तो कॉमन है, जब कंपनी ने 9,000 का पंखा लॉन्च किया तो मेरी चर्चा हुई राहुल जी से कि राहुल जी आप 9,000 MRP के 5 ब्लेड का पंखा लॉन्च कर रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि आपको कोई रिस्क है? तो बोले कि संजीव जी मैं जो पंखा लॉन्च कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी, उसका वर्क एफिशिएंसी और उसका प्राइसिंग और उसके अंदर डीलर का मार्जिन सब चीज़ को देख के लॉन्च कर रहा हूँ। और सच पूछिए तो फर्स्ट टाइम वो 1,000 पीस का प्रोडक्शन किए थे, 1,000 पीस, और आज देखिए मैंने वीडियो में आपको दिखाया
एक एक पार्टी का कोई 20 पीस कोई 50 पीस ले रहा है लाइट वाला पंखा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अगर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए तो वो कोई रिस्क आपस में नहीं होती है, कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए मैं लाइव पिछले 3 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ और उसी लाइव का नतीजा है कि जहाँ मैं लाइव मैंने शुरुआत की थी तो मात्र 4,000 सब्सक्राइबर थे, आज चैनल पे 62,200 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ये वही कारण है कि लाइव में मैंने शुरुआत की लोगों को व्यापार के बारे में गाइड करना, क्योंकि देखिए बिजनेस का जो अनुभव है मेरा खुद का अनुभव, मैं किसी दूसरे के केस हिस्ट्री पे बात नहीं करता हूँ, मेरे खुद का केस हिस्ट्री जो है 40-42 साल पुराना इतिहास है। मैं बचपन से व्यापार कर रहा हूँ, मैंने जब भी काम किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम किया है, दूसरे किसी सेक्टर में मैंने काम नहीं किया है। वही कारण है कि जब मैं लाइव में लोगों को गाइड करने लगा व्यापार के बारे में तो बहुत तेज़ी से लोग मेरे लाइव से जुड़े, और यही कारण है कि आज जब मैं राहुल जी का इतना बड़ा कारखाना खुला, मैं लास्ट अक्टूबर से यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ राहुल जी के फैक्ट्री का, और आज अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 हो गया, 1 साल, ये मेरा 13वां महीना जा रहा है यहाँ पे। हर महीना मैं लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में आता हूँ, फैक्ट्री को आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सब कोई आके कारखाना को इंडिविजुअली विजिट कर पाए। मैंने व्यापार पे लगभग 50 से ऊपर किताब लिखा है, सबको 12 से ऊपर भाषा में ट्रांसलेट भी किया है। सबसे जो हिट मेरा पैक जा रहा है अभी, उसको बोला जा रहा है कॉम्बो पैक, लगभग 6,500 का पैक है। इसमें कुल मिला के 10 बिजनेस, और किताबों की खूबी है कि जैसे आप कॉम्बो पैक लेते हैं तुरंत आपको उस बिजनेस से रिलेटेड जितने मशीन वाले रॉ मटेरियल वाले एक एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर आपको तुरंत व्हाट्सएप पे मिल जाता है। और कॉम्बो पैक की डिस्पैचिंग अगर मैं पटना में रहा तो नेक्स्ट डे विद इन 24 घंटा मैं कर देता हूँ कॉम्बो पैक की। लाइव से जुड़िए, इस कंपनी से जुड़ने के लिए जो टॉप में नंबर आ रहा है ये सेल्स की हेड है रुचिका मैडम, उनसे संपर्क कीजिए, बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जिस तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि अगला सीजन में एंट्री लेते लेते कोई भी जगह बचेगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, फटाफट जो वीडियो के ऊपर में नंबर आ रहा है रुचिका मैडम का, उनको संपर्क कीजिए। कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल करने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9835633059 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बड़ा मज़ेदार बात है, एक सिंगल कार्टून भी ऑर्डर के लिए तैयार है, और आज है 19 अक्टूबर 2024, मतलब इतना तरह का ऑर्डर तो देख रहे हैं लेकिन एक सिंगल कार्टून, पार्टी का एकदम नाम पता सब रेडी है, मतलब कोई आदमी जो है इसको सैंपल में लिया है, मतलब ये सारा डिस्पैचेस बिल्कुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राहुल जी की। देखिए लाइव असल में जब पटना रह पा रहा हूँ तभी लाइव कर पा रहा हूँ, और टाइम उसका 8 से 9 है। सबसे बड़ी बात है कि लाइव एक ऐसी सुविधा मैंने बना दी है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट आके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो सबसे हिट आइटम हम देख रहे हैं, फैन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट देख रहे हैं, पार्टी बाय पार्टी का एक लंबा सिलसिला बना हुआ है ऑर्डर डिस्पैचिंग का। और खाली यही नहीं, इधर ही नहीं है ऑर्डर का लाइन लगा हुआ, मैं एक राउंड आपको सिर्फ पैदल चल के दिखा रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हैं कि कस्टमर बाई कस्टमर किस तरह से ऑर्डर एक लंबी दूरी तक, हम समझते हैं 80-90 या 100 फुट की दूरी तक छल्ला लगा हुआ है, है ना। आज शनिवार है और यहाँ पे डेली का ये सिलसिला, ये कोई आज की कहानी नहीं है, रोज इसी तरह का प्रोडक्शन होता है। असल में प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ इतना बड़ा धमाकेदार है कि उसका हिसाब नहीं। देखिए यहाँ भी मैं देख रहा हूँ 3 ब्लेड वाला पंखा जो लाइट वाला है, देखिए इंडिविजुअल एक कस्टमर ने ऑर्डर किया है इसको, तो 3 ब्लेड वाला भी पंखा मैं देख रहा हूँ इस जा रहा है ऑर्डर में। और यहाँ पे देख रहे हैं, आगे भी देख रहा हूँ मैं,
और होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर आता है, असल में यहाँ पे देखिए 40,000 पंखा बन सकता है एक दिन में, इतना बड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन की क्षमता है, बहुत बड़ा कैपेसिटी है। देखिए इधर तो ऑर्डर का छल्ला लगा हुआ है और इधर भी हम देख रहे हैं एक अच्छे दूरी तक ऑर्डर का छल्ला लगा हुआ है। मतलब हम समझते हैं अगर इस सारे माल को आज डिस्पैच होना है तो हम समझते हैं तीन ट्रक या चार ट्रक माल होगा, चार ट्रक से कम माल नहीं होना चाहिए इतना। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो पंखा से जुड़ा हुआ कारोबार है। अब पंखा से जुड़े हुए कारोबार को थोड़ा ऐसे समझिए, चाहे सीलिंग फ़ैन में इंडक्शन हो या BLDC, चाहे टेबल फ़ैन हो, चाहे AP हो, फराटा हो, कूलर हो, ये तो पंखा का दबदबा एकदम समझिए कि 9 महीना क्या सालों भर चलता है। नॉर्थ इंडिया में 8 से 9 महीना पंखा चलता है और साउथ इंडिया में तो पंखा रुकने का नाम नहीं लेता है, तो ये इतना बड़ा कारोबार है। दूसरा रोटी से जुड़ा हुआ कारोबार, चाहे मिक्सर ग्राइंडर का हो, चाहे RO, कितना बड़ा पानी का कारोबार है डोमेस्टिक RO का, है ना। और जो लोग RO नहीं लगवा पाते हैं वो लोग वाटर फिल्टर ज़रूर लेते हैं। और एक साथ में रोटी मेकर, जितने भी लड़के लोग लॉज में पढ़ रहे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, बहुत ऐसे लड़के लोग हैं जो सेल्फ कुकिंग करते हैं और रोटी बनाना लड़कों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है, इसलिए लोग अधिकतर चावल बना के खा लेते हैं। रोटी मेकर एक इतनी बड़ी सुविधा है कि उसका हिसाब नहीं। तो मैंने क्या किया है कि इस दो सबसे बड़े व्यापार को एक पैक बना दिया है जिसका नाम रख दिया है कॉम्बो पैक। अब ये कॉम्बो पैक में एक नहीं, कुल मिला के 10 बिजनेस है। मतलब अगर आप 6,500 रुपया लगा के कॉम्बो पैक ले रहे हैं तो आने वाले 10 साल तक आपको किसी प्रकार से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो कंपनी आप देख रहे हैं इसका नाम है विक्चुरा एयर मोशन। इस कंपनी से जुड़ने के लिए ऊपर जो नंबर आ रहा है वो रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, आप मैडम को कॉल कीजिए, जितना जल्दी हो कॉल कीजिए। अब ये एक शब्द जान लीजिए, ये अब लागू बहुत तेज़ी से हो रहा है, जितना जल्दी हो कॉल कीजिए, क्योंकि वक्त तेज़ी से निकल रहा है, हर एक जगह के लोग जुटते चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगले साल, सर अगले साल आप जागेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र के जब लोग दूसरे जाग गए होंगे और एक बार काम ले लेंगे तो सर कंपनी की पॉलिसी यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। जो लोग कंपनी से जुड़ गए सर कंपनी उनको नहीं छोड़ने वाली है, एक बात आप जान लीजिए। और ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी कंपनी रोज़ रोज़ नहीं खुलती है। तो ऐसी कंपनी में घुसने का एकमात्र मौका है कि इनका काम लीजिए। पंखे में मॉडल तो मान के चलिए 100 से ऊपर मॉडल खाली, सीलिंग फैन में है, चाहे वो इंडक्शन हो चाहे वो BLDC हो, 100 से ऊपर मॉडल। कलर का हिसाब लगाइएगा तो लगभग 15-20 कलर, एक से एक कलर। आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारा वीडियो मैं इस कंपनी का लगभग महीने में 300 से ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये राहुल जी इतना बड़ा हिम्मत किए हैं तो मेरे से जो बन पड़े, मेरे चैनल से जो बन पड़े, मैं बिल्कुल इनका सहयोग करूं, प्रमोशन का काम करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जगह खाली थी, बहुत बड़ा स्पेस खाली था और इस स्पेस का लाभ पूरी तरह से राहुल जी को मिल रहा है। कैसा स्पेस खाली था आप सोचिए, सब लोग चाहते थे कि ब्रांडेड कंपनी का काम करें, लेकिन कोई ब्रांडेड कंपनी काम देने को तैयार नहीं थी, उनका काम ऑलरेडी लोग कर रहे थे, कीमत ज़्यादा था, क्वालिटी नाम हो गया तो क्वालिटी का पता नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्वालिटी को बहुत क्लोज नज़र से रखा गया है, 3-3 लैब बनाया गया है, क्वालिटी पे बहुत पैनी निगाह है राहुल जी की, कि माल निकलने के पहले भी यहाँ पे कार्टून को ले लिया जाता है। एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पे फिर से उसकी रीचेकिंग की जाती है। तो सर बिल्कुल मौका नहीं गंवाइए, वीडियो के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं रुचिका मैडम का नंबर है, बिहार और उत्तर प्रदेश ये डायरेक्ट देख रही हैं, बाकी स्टेट के नंबर के लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस में आने के लिए मेरा कॉम्बो पैक लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835633059। ये नंबर सिर्फ किताबों के लिए है और लाइव में जुड़ने के लिए है। पंखा के लिए आपको रुचिका मैडम का नंबर जो स्क्रीन में आ रहा है उसी पे संपर्क करना है। परिवर्तन नहीं है, जिस तरह से पिछले महीना सितंबर में काम हो रहा था उसी तेज़ी से अभी भी काम हो रहा है। भाई हेलो, इधर आज कौन सा तारीख है? आज 19 तारीख है। कौन सा महीना है? अक्टूबर। अक्टूबर महीना है। अच्छा, और साल कौन सा है? 2024। अक्टूबर महीना, तारीख 19। बात को ठीक से समझिए। जहाँ पे लगभग कंपनी का काम बंद पड़ा है अभी पंखे का, यहाँ पे फुर्सत नहीं है लोगों को काम करने का, तेज़ी से ऑर्डर का डिस्पैच हो रहा है ना? क्या कारण है, क्या कारण है कि आज इतना? अक्टूबर महीना हो, आपने सितंबर महीने का नज़ारा देखा, अब आप अक्टूबर का नज़ारा देख रहे हैं। तेज़ी से यहाँ पे प्रोडक्शन ब्लेड का, यहाँ पे देखिए ब्लेड की छटनी होती है। क्यों ब्लेड को तोला जा रहा है मालूम? सब कंपनी ये काम नहीं कर पाती है, ये इसलिए तोला जा रहा है कि एक तरह का वजन तीनों ब्लेड का होना चाहिए। तीनों ब्लेड के वजन में एक कितना 0.5 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 0.5, हम तो कह रहे थे 1 ग्राम मेरे मुंह से निकल रहा था, लेकिन ये आधा ग्राम का बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं वर्क एफिशिएंसी। भाई साहब, जब ये कंपनी को फुर्सत नहीं है अक्टूबर में, तो नवंबर से तो सेल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे नवंबर का कोई वेट नहीं कर रहा है। आप देखिए जिस तरह से आज के ऑर्डर का लाइन लगा हुआ है, छल्ला पे छल्ला, ये सारा माल आज शाम तक टोटल क्लियर हो जाएगा। पार्टी बाई पार्टी मैं तो यही देखता हूँ कि रोज़ का स्लिप लगा हुआ है, कौन कस्टमर का कौन ऑर्डर है, किसका कौन ऑर्डर है, ये सब में अभी स्टिकर लगेगा, स्टिकर लगेगा, एक एक डब्बे पे स्टिकर लगेगा और टोटल माल, हमको लगता है कि जितना माल अभी यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है, ये देखिए मैं अपने कैमरे को घुमा रहा हूँ, एक राउंड से दूरी देख लीजिए कितनी है, मतलब 100-200 फुट की दूरी तक छल्ला लगा हुआ है। और गहराई देखिएगा, गहराई कितना है माल के ऑर्डर का, आप देखिए इतना लंबा डेथ रो बाई रो लगा हुआ है। एक एक रो में अगर हम पैदल चलें तो हमको लगता है 60-70 या 100 फुट हमको चलना पड़ेगा, इतना बड़ा ऑर्डर का सब में स्लिप लगा हुआ है, माने पार्टी बाई पार्टी। और ये लकड़ी पे क्यों रखा जाता है मालूम? क्योंकि क्रेन से इसको सीधे उठाया जाता है और ट्रक में डाल दिया जाता है। यहाँ पे इतना देखिए, सब पार्टी का अलग अलग स्लिप लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। अब ये सब का बिल, माने बिल का जो स्टिकर बनता है उसका काम, बिल तो वहाँ से आता है फाइनल रुचिका मैडम से। अब यहाँ पे स्टिकर बाई स्टिकर के हिसाब से सब एक एक कार्टून पे स्टिकर लगा के और तब कस्टमर को भेजा जाता है। तो भाई साहब, इस कंपनी से जुड़ने का मौका हमको नहीं लगेगा, लग रहा है कि अभी 1-2 महीने में हमको लगता है भारत का जितना भी ज़िला है ना, एक एक ज़िला में लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। हमको जिस तरह से अब काम चल रही है, अब माने हम तो सोचे नहीं थे कि आज यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई देगा बड़े पैमाने पे। यहाँ पे जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं मनोज जी, बोले कि यहाँ पे फुर्सत हम लोगों को कहाँ है। यहाँ तो वर्कर से पूछा गया, एक वर्कर से एक वीडियो में मैंने पूछा कि कौन सा तारीख है, तो बोला पता नहीं, रात दिन काम चलता है, क्या दिन है क्या तारीख है कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, सांस लेने का फुर्सत नहीं है लोगों को, लोग एकदम लगातार वर्क कर रहे हैं, 8 घंटे पे ड्यूटी शिफ्ट बदल रहा है वर्कर का और बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। तो सर आप देखिए, जब ये हाल है तो बिल्कुल जुड़िए, जो वीडियो के ऊपर में नंबर आ रहा है, रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, ये सेल्स की हेड हैं, मार्केटिंग की हेड हैं और डायरेक्ट ये लगभग बिहार और यूपी का काम तो ये डायरेक्ट देखती हैं, बाकी का नंबर ये आपको प्रोवाइड कर देंगी, आप इनसे संपर्क कीजिए। मैं लगभग चैनल पे 3 साल से लाइव कंडक्ट कर रहा हूँ और लगभग 1 घंटा लाइव रहता हूँ। पहले तो मैं डेली लाइव करता था, अब इधर मेरे को टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो जब मैं पटना में रह पाता हूँ तब मैं रात में 8 से 9 1 घंटा लाइव करता हूँ, और दिन होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे,
लेकिन शर्त यह है कि मैं पटना में उस दिन रहूं, अभी मैं फरीदाबाद में हूं 19 तारीख को, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइव से जुड़िए, व्यापार से जुड़े हुए बातों को पूछिए, व्यापार में आइए, बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने लगभग व्यापार पे एक नहीं 500 किताबों को लिखा है, और सबसे बड़ी बात हर एक किताब को भारत के 12 भाषा में ट्रांसलेट भी किया है। मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835633059। इसका प्रयोग सिर्फ किताबों के लिए कीजिए, और जो मेरा सबसे सुपर डुपर हिट पैक चल रहा है बिजनेस का, वो है कॉम्बो पैक, जिसमें एक नहीं 10 व्यापार है। पंखा लाइन का व्यापार हो या रसोई से जुड़ा हुआ व्यापार हो, सारा व्यापार इकट्ठा आपको, सारे लोगों का नंबर, और नंबर भी कौन, जो कंपनी के रॉ मटेरियल बनाते हैं, जो कंपनी के मशीन बनाते हैं, एक एक लोगों के मालिक का नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। और कॉम्बो पैक जो है सो नेक्स्ट डे डिस्पैच होता है 24 घंटा के अंदर, लेकिन शर्त है मैं पटना में रहना चाहिए मुझे, तो मैं 24 घंटा में डिस्पैच कर देता हूँ। बुक्स को लीजिए, लाइव से जुड़िए, और इस कंपनी से जुड़ने के लिए बिल्कुल देर मत कीजिए। रुचिका मैडम को संपर्क कीजिए, रुचिका मैडम का नंबर ऊपर राइट हैंड साइड में चल रहा है। देखिए ये जो क्वालिटी का चदरा है ना, ये सब जगह नहीं चलता है, यहाँ पे क्वालिटी से समझौता नहीं किया जा सकता है। देखिए पंखा तो 100 मॉडल में बन ही रहा था, जैसे टेबल फैन फराटा लॉन्च हुआ सर, उसका भी आप देख सकते हैं कवर बनाने का काम तेज़ी से चालू हो गया। इस मशीन में एक बार में 7 डाई लगा हुआ है, आप देखिए, 1-2 डाई नहीं है, 7 अलग अलग डाई काम कर रहा है। इतना बमबिलाट मशीन है ना, ये बना रहा है टेबल फैन और फराटा का कवर। ये मोटर जो है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी का मोटर है। आप देखते होंगे लोगों के फराटा में बड़ा बड़ा मोटर लगता है सर, कारण है यहाँ के मोटर का क्वालिटी इतना ज़्यादा है कि मोटर का साइज़ छोटा है। और यहाँ पे कोई अल्मीनियम बाइंडिंग नहीं होती है, इसको भ्रम में मत रहिएगा कि अल्मीनियम बाइंडिंग होती है, यहाँ पे ओनली कॉपर चलाया जाता है, सिर्फ कॉपर में मोटर बनता है। यहाँ की क्वालिटी का मुकाबला अभी करना मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनी रॉ मटेरियल खुद बनाती है। ये कंपनी पंखा कल तक खुद बना रही थी, ये कंपनी पंखे का रॉ मटेरियल पिछले 20-30 साल से बना रही थी, और ये कंपनी जब अब पंखा बनाने आई तो 6 महीना ही पंखा बनाए बीता होगा, फरवरी से ले दूसरा महीना, और आज अक्टूबर 19 10वां महीना, 6 महीना बीता कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे टेबल फैन फराटा एग्जॉस्ट फैन सबका डिमांड चालू हो गया। क्योंकि लोग चाहते हैं कि अगर किसी से सीलिंग फैन मिले, उसी आदमी से पंखा लाइन कंप्लीट हो जाए, उसी आदमी से रसोई का सामान जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो, यहाँ तक कि लोग आरओ भी चाहते थे। इसीलिए मैंने सबसे बड़ा पैक बना दिया है कॉम्बो पैक, जिस कॉम्बो पैक में लगभग 10 बिजनेस है, 10 बिजनेस की किताबें हैं। जैसे आप किताब लेते हैं, सारे लोगों का नंबर तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। हेलो सुनिए, आज कौन सा तारीख है, तारीख कौन है आज? 19 19 तारीख, और महीना? 10वां, और साल? 24। बात को समझिए, महीना कोई भी हो मतलब उससे नहीं है। पिछले महीने लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये पहले का लिया गया हो, इसीलिए इस बार मैं हर एक वीडियो में जो यहाँ के टेक्नीशियन वर्कर हैं उनसे, उनके मुंह से तारीख पूछवा रहा हूँ, ताकि किसी तरह का आपको ये डाउट नहीं रहे कि ये वीडियो पहले का है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रुचिका मैडम मार्केटिंग की हेड हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनका नंबर वीडियो में टॉप राइट चल रहा है। पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में अभी तक कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना है कि नहीं, अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना है तो विलंब बनिए, बिल्कुल मत रुकिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पिछले लंबे समय से ये कंपनी रॉ मटेरियल बना रही थी, ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि आज खुली पता नहीं साल दो साल में बंद हो जाएगी। सर अगर एक ऐसा कोई डाउट रहता
तो इतना बड़ा कंपनी खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं अगर पटना में रहता हूँ तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 8 से 9 रात में लाइव आता हूँ। मेरे लाइव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मेरे बुक्स को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।